नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में, जहां आपको पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त का इंतजार है और वह इंतजार अभी खत्म हो चुका है, क्योंकि 8वीं किस्त किसानों के खातों में यानी आपके खातों में कब आएगी ये तय हो चुका है। अभी 8वीं किस्त आने की नई डेट घोषित हो चुकी है। तो अभी हम आप सभी को बताएंगे आपके खातों में 8वीं किस्त कब आएगी, तो ये जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तो चलिए अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सरकार छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 6,000 रुपये उनके खाते में ट्रांसफर करती है। ये सरकार की ओर से किसानों को दी जाने वाली वित्तीय मदद 2,000 रुपये की 3 किस्तों में मिलती है। 1 अप्रैल को 8वीं किस्त की शुरुआत होनी थी, लेकिन अब तक ये नहीं आई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 8वीं किस्त किसानों के खातों में 10 मई तक भेजी जा सकती है, यानी आपके खातों में 10 मई को पैसा आ जाएगा और ये आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। वहीं आपको बता दें कि स्कीम के तहत हर साल 2,000 रुपये की पहली किस्त 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई के बीच आती है, दूसरी किस्त 1 अगस्त से लेकर 30 नवंबर के बीच आती है और तीसरी किस्त 1 दिसंबर से लेकर 31 मार्च के बीच आती है। इस स्कीम का फायदा कुछ अयोग्य लोगों ने भी उठा लिया था, इसलिए सरकार ने इस बार इसके नियमों में कुछ बदलाव भी किए हैं। वहीं 8वीं किस्त की रकम आपके खाते में आने वाली है या नहीं, इसके लिए सरकारी वेबसाइट pmkisan.government.in पर सारी जानकारी दी गई है। वहां से आप पता कर सकते हैं कि आपको 8वीं किस्त का पैसा मिलेगा या नहीं। दोस्तों, इस प्रकार ये पूरी जानकारी पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त के बारे में थी। तो यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।